तो आइए फिर से आप लोग का अपडेट आ गई है और पांच महत्वपूर्ण अपडेट आप लोग के लिए आई है, जैसे कि पोषण ट्रैकर का जो है 18.2 का जो है वर्जन आ गई है और जितने भी आंगनबाड़ी सेविका है आप लोग को जो है पोषण ट्रैकर का जो है 18.2 जो है आप लोग को अपडेट कर लेनी है। लेकिन ये पांच अपडेट इसमें क्या क्या आई है इसके बारे में जानते हैं। तो आइए ये पांच महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पोषण ट्रैकर में जाएंगे और 18.2 जो है अपडेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पोषण ट्रैकर पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी और यहाँ से हम लोग सर्च मारेंगे। जैसे ही सर्च मारेंगे यहाँ पे पोषण ट्रैकर लिखेंगे, जैसे ही सर्च मारेंगे तो इस तरह से देखेंगे कि ये अपडेट के लिए आ गई है। हम लोग यहाँ से अपडेट कर लेंगे और ये पाँच महत्वपूर्ण जो है अपडेट आई है और इसको पूरा देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए कि यहाँ पे जो है ये अपडेट होने लगी है और जैसे ही आप लोग को इंस्टॉल हो जाएगी इसके बारे में पूरा पूरा जानते हैं। जैसे कि देखिए कि ये इंस्टॉल हो रही है और यहाँ कैंसिल के जगह पे ओपन आप लोग को लिख के आ जाएगी और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ओपन आ गई। हम लोग को इसके बारे में जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इस तरह से खुल के आ गई और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तीर है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है पेज खुलेगी और जैसे कि हम लोग फर्स्ट ही नंबर में हम लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ऐड न्यू मेनू जो है हम लोग को ऐड हुआ है, न्यू मेनू जो है मार्क बेनिफिशरी एज डिसीज्ड, यानी कि हम लोग का जो है जब लाभार्थी अगर डेथ किया यानी कि मृत्यु हो गई तो उनको जो है मेनू जो है एक ऐड किया गया है बेनिफिशरी के लिए, बेनिफिशरी। तो हम लोग इसके बारे में फर्स्ट ही नंबर में जानेंगे, सेकेंड में हम लोग चलते हैं। ठीक है, सेकेंड में यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है अपडेटेड जो है आप लोग को अपडेट किया गया है VHSND एंड CBE फॉर्म्स, यानी कि ये दोनों जो है अपडेट हुई है। और उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो थर्ड नंबर में AWC इन्फा फॉर्म अपडेटेड, यानी कि हम लोग को जो है AWC इन्फा का भी अपडेट किया गया है। अगर आप लोग अपडेट करना चाहते हैं तो AWC इन्फा में अगर कुछ भी अगर छोड़ दिए होंगे तो वहाँ पे आप लोग अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद चौथा नंबर में माइनर बग फिक्सेड और उसके बाद ऐप ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि ये तो आप लोग को बराबर आते ही रहता है। अगर बग हुआ या किसी भी प्रकार में आप लोग को जो माइनर बग होता है यानी कि नहीं खुलना, जैसे कि अभी जो है नॉट अवेलेबल आप लोग को दिखा रही है, वो सब जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग में दिखा रही थी, ये सब प्रॉब्लम आप लोग को जो है दूर हुआ है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस पांचों के बारे में किस तरह से जो है आप लोग को दिया गया है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आप लोग डिसीज देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको काटते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है आप लोग को दिख रही है पोषण ट्रैकर, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें कि इस तरह से पेज खुल गई। खुलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट ही नंबर में आप लोग को दिया गया था ऐड न्यू मेनू जो है हम लोग को ऐड किया गया है बेनिफिशरी जो है डिसीज्ड, यानी कि जो है जब मृत्यु हो जाएगा तो आप लोग को जो है कैसे करनी है। सबसे पहले देखिए कि बेनिफिशरी में हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुली। जैसे कि मान लीजिए कोई भी लाभार्थी है, जैसे कि यहाँ पे जो है 3 से 6 साल के बच्चे हो या किसी भी लाभार्थी को है तत्काल में डेथ कर गई, तो आप लोग को जो है यहाँ पे इस तरह से क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है 3 डॉट है, 3 डॉट पे आते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी और यहाँ पे जो है देखिए जो है बेनिफिशरी डेट आप लोग को यहाँ पे लिख के आ रही है, यानी कि जो बेनिफिशरी अगर मृत्यु हो गई तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करनी है और यहाँ से आप लोग यस कर देंगे तो ये लाभार्थी जो है डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इतना जो है आप लोग को जो है मेनू जो है ऐड की गई है फर्स्ट नंबर में। तो चलिए हम लोग ये लाभार्थी डेथ नहीं किया है, हम लोग यहाँ पे नो कर देते हैं, हम लोग यहाँ से बैक हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सेकेंड नंबर में आप लोग को अपडेट आई है जैसे कि BSND और उसके बाद एंड जो है CBE फॉर्म्स, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हम लोग को जो है इवेंट में जाना होगा। ठीक है, जैसे इवेंट में जाने के लिए यहाँ पे मोर है, मोर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग जो है दूसरा अपडेट जो आई है इवेंट में जो है आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें जो है दो अपडेट आई है, सबसे पहले आप लोग देखिए कि BHSND उसके बाद CBE। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं BHSND, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी। खुलने के बाद यहाँ पे देखिए कि अगर आप लोग जो है BSND जो ऑर्गेनाइज किए होंगे इस मंथ में तो क्या करते होंगे कि यस करते होंगे। उसके बाद आप लोग को जो है यहाँ पे डेट डालनी होती है, जो डेट में आप लोग ऑर्गेनाइज किए हैं यहाँ पे आप लोग को जो है डेट डालेंगे इस तरह से। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं वो कितना संख्या में आप लोग को जो है लाभार्थी आए हैं, तो यहाँ पे आप लोग को जो है यहाँ पे क्लिक करके उतना लाभार्थी को डालनी है और यहाँ से आप लोग को जो है टिक आउट करके उसके बाद AWW पेरेंट्स एंड BSND इसको ये आप लोग को यस करनी है और उसके बाद यहाँ पे जो है टिक आउट मार के और लास्ट में आप लोग को क्या कर देनी है कि सबमिट मार देनी है। तो इस तरह से जो है आप लोग को जो है न्यू अपडेट जो है आप लोग को इस तरह से जो है आई है। और सेकेंड में चलते हैं कि यहाँ पे जो है आप लोग को CBE है, यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं
इसमें जो है आप लोग यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज अगर आप लोग ने जो है सीबीई यानी कि जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट आप लोग ने किए होंगे तो यहाँ पे आप लोग को यस करनी है। जैसे यस करेंगे यहाँ पे आप लोग को जो है यहाँ पे जैसे कि आप लोग ऑर्गेनाइज किए होंगे उस बार का डेट आप लोग को डालनी है, जैसे कि यहाँ पे डाल लेती है और यहाँ पे आप लोग को जो है डाल के सबमिट मार सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि सबमिट मारेंगे और यहाँ पे लास्ट में सबमिट मार देंगे। तो इस तरह से जो है आप लोग को जो है इसमें भी अपडेट आई। और थर्ड नंबर में आप लोग देखेंगे तो AWC इन्फा फॉर्म अपडेटेड, यानी कि आप लोग को जो है थर्ड नंबर में क्या आई है, जैसे कि इसको हम लोग बैक होते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग बैक हुए, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे AWC इन्फा, जैसे कि AWC इन्फा में अगर आप लोग को किसी प्रकार का अगर यानी कि जो है छूट गया होगा या भरना चाहते हैं तो अभी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को जो है अपडेट जो आई है तीसरा नंबर जो है AWC इन्फा के बारे में जो है, यहाँ पे जो भी फॉर्म अगर आप लोग को जो है छूट गया होगा या किसी भी प्रकार का अगर काम आप लोग ने गलती कर दिए होंगे तो अगर अभी आप लोग अपडेट करेंगे तो इसमें जो है आसानी से जो है अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोग का वीडियो है, बाद बाकी आप लोग को जो है माइनर बग फिक्सेड था और आप लोग को जो है हॉट फिक्सेस के नाम से आई है वो तो आप लोग जान ही रही है। तो इस तरह से जो है आप लोग को तीन महत्वपूर्ण अपडेट आई है, आप लोग जल्द से जल्द आप लोग कर लें। ठीक है, बाद बाकी अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए और समझ में आ रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।